असलम मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी है और मैं इंडस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ़ यूरोलॉजी को हेड करता हूँ ये अलहमदल ये अल्लाह के बहुत एहसाना हैं कि इसी इंडस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ़ यूरोलॉजी में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की दो हज़ार दस से और आज अलहमदिल्ला इसी डिपार्टमेंट को मैं हेड करता हूँ मैंने अपनी शुरुआत की जो तैलीम है वो एम बी बी एस जो के मैंने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसिस जामशर हैदराबाद से किया मैंने अपनी फेलोशिप एफ सी पी एस यूरोलॉजी जो कि इंडस हॉस्पिटल से मैंने कम्प्लीट की दो में उसके बाद दो में मैं इजिप्ट चला गया जहाँ से मैंने अपनी डबल फेलोशिप यूरोनकोलॉजी में की इसी के साथ ही हमारा डिपार्टमेंट आगे प्रोग्रेस करता गया जो क्योंकि इनिशियली हम जो सिंपल प्रोसीजर्स करते थे विद द टाइम जैसे कि हमारी क्वालिफिकेशन मेरी मैंने क्वालिफिकेशन अक्वायर की उसके बाद हमने यूरोनकोलॉजी अपना सेटअप स्टार्ट किया हमारा डिपार्टमेंट 2007 में जैसे कि हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ तो उसी में ये हमारा स्टार्टिंग में ही स्टार्ट में फंक्शनल था लेकिन 2010 से हमने अपना रेजिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किया और अभी तक हमने तकरीबन 20 एफसीपीएस सी पी ट्रेनिंग जो कि ट्रेन हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ़ यूरोजी के एक फख्र की बात है जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ़ यूरोजी जो मेन हम प्रॉब्लम्स हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में जो कि स्टोन डिजीज़ है जिसमें रीनल स्टोन्स हैं यूरेटरिक स्टोज हैं और ब्लड स्टोज होते हैं जो सेकंड डिजीज़ हम मेनली हमारे पास ओ में आती हैं जो कि उसमें कैंसर सर्जरीज़ होती हैं जिसमें ब्लैडर कैंसर है रीनल कैंसर होते हैं जिससे जिसको सरतान कहते हैं उसको हम डील करते हैं क्योंकि जो मैं स्पेशलाइज हूँ तो इसी में मैं ज़्यादातर जो है वो कैंसर सर्जरीज़ करता हूँ अलहमद इसके साथ विद द टाइम जैसे जैसे इंडस आ, के मैार बढ़ता गया हमने और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं जिसमें लेजर सर्जरीज़ हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है जो कि हम आ, आजकल जो है वो एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में जैसा कि इंडस हॉस्पिटल जो कि एक फ़्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट तो जो मेन चैलेंजेस हम फेस करते हैं डेली लाइफ में क्योंकि हमारी एक आउट पेशेंट क्लिनिक में कम से कम भी हम 40, 50 इवन कभी कभी हम 70 मरीज भी एक ओ में देखते हैं क्योंकि हमारे पास एक लॉन्ग क्यू है और क्योंकि इट्स अ फ्री ऑफ कास्ट हर पेशेंट चाहता है कि उसकी सर्जरी जल्दी से जल्दी हो लेकिन क्योंकि बेड की अनअवेलेबिलिटी की वजह से बेड हमारे पास कम है हमारे पास ओ कम है लेकिन पेशेंट की लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट की एक तो लंबी लाइन होती है तो वो हमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि वी डोंट हैव अ स्पेस इन इवन ओआर इवन हमें बेड्स हमारे पास नहीं है लेकिन उम्मीद यही है क्योंकि हमारा नया एक्सपेंशन स्टार्ट होने वाला है इन नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि हम इसमें बहुत बेहतरी ला सकें सबसे बड़ा चैलेंज जो कि हमें ये फेस करते हैं हम जो इंस्परेशन है यूरोलॉजी में आने की ये है कि मैं जब मेट्रिक uh, क्लास में था इट वॉज नाइनटीन तो माई मदर वॉज डायगनोस अ रीनल फेल्यूर एंड शी शीवाज ऑन हेमोडायलिसिस फॉर द लास्ट अराउंड टू टू थ्री ईयर्स दो से तीन साल तक वो डायलिसिस पे थी बट uh, अनफॉर्चुनेटली uh, उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सका बिकॉज ऑफ आई डोंट नो क्योंकि मैं बहुत छोटा था मेट्रिक क्लास में था तो ये इंस्पायरेशन थी जिंदगी में कि बनना तो वही गुर्दों का सर्जन ही है और uh, ये इंस्पायरेशन थी फिर उसके बाद uh, अलहमदिल्ला मेरा जो है वो एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया तो जैसे एम ख़त्म हुई तो उसके बाद यह था कि भैया भी अभी फेलोशिप करनी है और यूरोलॉजी में ही करनी है तो कोशिश की और अलहमदिल्ला वो भी यूरोलॉजी में हमारी मेरा एडमिशन हो गया एफ़ सी हम करते हैं जैसे एफ़ सी वन किया फिर एफ़ सी टू की ट्रेनिंग की यहीं पे और कराची आने का मकसद भी यही हुआ क्योंकि मैं इंटीसन से बिलोंग करता हूँ तो कराची आने का मकसद है क्योंकि एडवांस एडवांस सर्जरी बंदा सीखे और उन मरीज़ों की मदद करे जिनको गुर्दों के प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे बड़ा मेरा जो है वो इंस्पायशन मेरी माँ थी और बिकॉज शी डाइड इन 1997 और uh, तो ये सबसे बड़ा मेरा इंस्पायरेशन रहा है इंडस हॉस्पिटल का जो फ्यूचर है uh, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नीचे से ऊपर आया हूँ तो मैं ये देखता हूँ फ्यूचर uh, जो है जो क्योंकि हमारी न्यू बिल्डिंग भी स्टार्ट होने वाली है तो इसमें ये होगा कि क्योंकि विद द टाइम रोबोटिक सर्जरी आ रही है एंड द एडवांस लेजर्स आ रहे हैं तो इसे ये है कि रोबोटिक सर्जरी भी हो जाएगी इन शह यहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट हो रहा है और फ्यूचर बिल्कुल है हमारे इंडस का क्योंकि हम क्योंकि हम जब सिंपल सर्जरी से लेके हम लेप्रोस्कोपिक और लेज़र पे आ गए हैं तो आगे रोबोटिक सर्जरीज पे भी इन हम आ जाएंगे और बिल्कुल फ्यूचर है और जितना हो सकता है हम पेशेंट को फ्री ऑफ कास्ट और अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि विद द टाइम इंडस ग्रो कर रहा है हम भी ग्रो कर रहे हैं और इससे जो है बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करेंगे इंडस के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो हॉस्पिटल है हम जितना चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं हम आप लोगों को और जितना आप लोग सपोर्ट करते हमें और आगे भी सपोर्ट करते रहें और ये है कि हम आप लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे और आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं और जितना हो सकेगा हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज प्रोवाइड करेंगे